बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद अली आरिफ एंड आई वेलकम ऑल स्टूडेंट्स टू द 9th एपिसोड ऑफ ऑनलाइन अरबी कैलीग्राफी क्लासेस। आज के सेशन में हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक मोहम्मद लिखना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी आज की मश्क की तरफ। मश्क शुरू करने से कबल तमाम व्यूअर्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इसमें मोहम्मद में हम सबसे पहले मीम बनाएंगे। याद रहे कि यहाँ पे जो हम मीम बना रहे हैं इसकी शक्ल मीम मशअरा के उसूल पर बनाई जाएगी। यहाँ पे मीम का हिस्सा मुकम्मल हुआ। मीम मशरा का सर दो कद के बराबर होता है। इसके बाद हम मीम को हा के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे एक कर्व आती है, देन सेकंड मीम। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बारीक से कर्व के साथ मैंने हा को दूसरे मीम के साथ मिला दिया है। फिर जहाँ से मैंने मीम को छोड़ा था वहीं से इसको कंटिन्यू करते हुए मैं अपने मार्कर को ऊपर की तरफ मूव करूँगा और दूसरे मीम को दाल के साथ मिला दूंगा। यहाँ पे आप बहुत तहम्मुल से आहिस्तगी से कलम चलाएंगे। फिर दाल पे डबल कलम चलाते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे। फिर इस मकाम से इसको जुदा करके दाल का निचला हिस्सा बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने इसमें मोहम्मद की किताबत मुकम्मल की। आइए स्टडी करते हैं लफ्ज़ मोहम्मद के मीज़ान को। मीम की लंबाई यहाँ पे तीन कद के बराबर होती है। इस मकाम पे मीम से लेकर हा तक एक कद का फासला होता है और मीम के इब्तदाई हिस्से के नीचे से लेकर हा तक तकरीबन डेढ़ कद का फासला रखा जाता है और इस दरमियानी जगह को आप एक नुक्ते के साथ फिल कर सकते हैं। अगर आप लफ्ज़ मोहम्मद की बेस को ऑब्ज़र्व करें और स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करें तो आप नोट करेंगे कि दाल का लेवल दूसरी मीम से थोड़ा सा ऊपर मालूम होगा। फिर हा को मीम से मिलाते वक्त हमने जो कर्व बनाई थी उस मकाम से लेकर मीम की बेस तक डेढ़ कद का फासला होता है और इस लाइन के ऊपर वाले खला में भी डेढ़ कद का फासला होता है। अब हम आते हैं दाल की तरफ। दाल के इस गोलाई वाले हिस्से में आप चार नुक्तों को अकोमोडेट कर सकते हैं। फिर दाल के ऊपर वाले हिस्से में तीन कत लगाए जाते हैं। फिर दाल के निचले हिस्से से लेकर इसकी बेस तक डेढ़ कद के साथ इस खला को फिल किया जा सकता है।
और आखिर में हम खत्ते सुलस में दुरूद शरीफ लिखेंगे। इसी के साथ हमारा आज का कैलीग्राफी सेशन मुकम्मल होता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक तमाम स्टूडेंट्स इस लेक्चर को अच्छी तरह देखकर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की मशक करें और इसी तरह बाकायदगी से ऑनलाइन अरबी कैलीग्राफी क्लासेस अटेंड करने के लिए ईगर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।